Welcome to Mariam Agri Academy. Please subscribe. टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है एप्पल. देखिए एप्पल मेलस प्यूमिला जो कि रोजेसी फैमिली को बिलोंग करता है, उसका क्रोमोसोम नंबर होता है 34, इसका क्रोमोसोम नंबर है. और अगर इसके ओरिजिन सेंटर की बात की जाए तो ये जो क्रॉप है वो साउथ वेस्ट एशिया से इसे ये ओरिजिनेट हुई है. एक टेम्परेट फ्रूट क्रॉप है, टेम्परेट फ्रूट क्रॉप है, किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट इसे कहा जाता है. और टेम्परेट रीजन में ये ग्रो होती है. देखिए टेम्परेट रीजन की अगर इंडिया की बात करूँ तो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम और उत्तराखंड, इन सारे जो रीजन्स है यहाँ पे इसे ग्रो किया जाता है. देखिए एप्पल की अगर बिहेवियर की बात करूँ तो ये एक डेसिडियस प्लांट है इन नेचर. डेसिडियस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं या वो ट्रीज होते हैं जो एक सीजन में, बेसिकली ऑटम में, जो है अपनी लीव्स को शेड करते हैं और रेस्ट पीरियड में चले जाते हैं, उन प्लांट्स को कहा जाता है डेसिडियस प्लांट्स या डेसिडियस ट्री. तो एप्पल भी जो है वो डेसिडियस है, मतलब थ्रू आउट द एयर जो है ये एवरग्रीन नहीं रहता है, एक पर्टिकुलर टाइम में अपनी लीव्स को शेड कर देता है. देखिए एप्पल की अगर फ्रूट की बात की जाए तो जो इसका फ्रूट टाइप होता है एप्पल का वो होता है पोम, और इसका एडिबल पोर्शन होता है फ्लैशी थैलेमस. देखिए एप्पल में अगर पॉलिनेशन की बात की जाए तो जो एप्पल में पॉलिनेशन होता है, देखिए जो एप्पल में है सेल्फ अनफ्रूटफुलनेस पाई जाती है. सेल्फ अनफ्रूटफुलनेस जो होती है ड्यू टू सेवरल रीजन होती है, लाइक स्टेरिलिटी के कारण होती है और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के कारण होती है. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब व्हेन द फ्लावर इज नॉट एबल टू फर्टिलाइज इटसेल्फ, मतलब मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनके होने के बाद भी जो है फ्लावर जो है खुद को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है. ठीक है, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है ड्यू टू सेवरल रीजन लाइक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के कारण, और जो प्लांट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनके डिफरेंट टाइम जो मेच्योरिटी टाइम है उसके कारण. ठीक है, तो ये होती है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. देखिए स्टेरिलिटी का मतलब होता है, स्टेरिलिटी में क्या होता है, या तो डिसफंक्शनल आपके पास पोलन होगा या डिसफंक्शनल जो है फीमेल ऑर्गन का, दोनों में से या दोनों ही डिसफंक्शनल होंगे तो उनमें स्टेरिलिटी होती है. दे आर नॉट फंक्शनल, मतलब दे आर नॉट एबल टू फर्टिलाइज नॉट इवन द ओन फ्लावर और नॉट द अदर वन. तो ये इसके कारण जो होती है एप्पल में सेल्फ अनफ्रूटफुलनेस होती है और इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन को प्रिफर किया जाता है. कुछ डेवलप्ड वैरायटीज हैं जिन जो सेल्फ पॉलिनेटेड हैं, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द वैरायटीज के लिए जो है पॉलिनाइजर को प्लांट करना पड़ता है, ठीक है, ताकि जो है क्रॉस पॉलिनेशन हो सके. क्योंकि जो अगर सेल्फ अनफ्रूटफुलनेस के कारण जो है पुअर फ्रूट सेट होता है और इंफीरियर क्वालिटी का फ्रूट जो है वो प्रोड्यूस होता है, बहुत ही स्मॉल साइज फ्रूट्स होता है, बहुत सारे इसके जो कॉजेज हैं जिसके जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रेफर किया जाता है. देखिए जो एप्पल होता है इसकी इसमें बहुत ही रिच जो है न्यूट्रिशंस होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया. आपने सेइंग सुनी होगी कि ईट एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है ये एक रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है. ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं इसके एरिया एंड प्रोडक्शन की तरफ. देखिए जो एप्पल का एरिया एंड प्रोडक्शन है वो जम्मू एंड कश्मीर में जो है एप्पल का एरिया सबसे ज़्यादा है, उसके बाद है हिमाचल प्रदेश में. देखिए हिमाचल प्रदेश को जो है एप्पल बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है, और फिर उसके बाद होते हैं उत्तराखंड में. देखिए अगर प्रोडक्शन की बात की जाए सेम एज एरिया, जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, फिर होता है हिमाचल प्रदेश में, और फिर होता है उत्तराखंड में. देखिए अगर यहाँ पे प्रोडक्टिविटी की बात की जाए तो प्रोडक्टिविटी भी जो है जम्मू कश्मीर में सबसे हाई है. तो ये था एप्पल का एरिया एंड प्रोडक्शन. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. चलिए बात करते हैं यहाँ पे क्लाइमेट की. देखिए जो क्लाइमेट होता है अगर एल्टीट्यूड की बात करें तो 1500 टू 2700 जो है मीटर फ्रॉम मेन सी लेवल जो है एप्पल को ग्रो किया जा सकता है. ये एक टेम्परेट फ्रूट क्रॉप होती है, तो लो टेम्परेचर के जो रीजन होते हैं, जहाँ पे लो टेम्परेचर होता है वहां पर इसे ग्रो किया जा सकता है, और हाई एल्टीट्यूड में ये ग्रो होती है. ठीक है, देखिए हाई एल्टीट्यूड में ये ग्रो हो रही है, और इसके लिए जो है स्पेसिफिकली जो है एक 4-7 डिग्री सेल्सियस के लो चिलिंग रिक्वायरमेंट जो होती है इसकी पूरी करने के लिए, अपनी डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए 4-7 डिग्री सेल्सियस या लोअर देन 7 डिग्री सेल्सियस जो है इसको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है टू ब्रेक इट्स डॉर्मेंसी. देखिए मैंने आपको बताया था कि जो एप्पल है डेसिडियस फ्रूट क्रॉप है, तो डेसिडियस प्लांट क्या करते हैं, जो अपनी लीव्स को शेड करके जो है रेस्ट पीरियड में चले जाते हैं, और उस रेस्ट पीरियड
प्रेगनेंसी ब्रेक करने के लिए बाद में इनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की जो है रिक्वायरमेंट की है 4 to 7 degrees Celsius की, या अगर इनकी बात की जाए तो 1000 hours uninterrupted जो है 1000 hours uninterrupted chilling requirement होती है एप्पल के लिए। कुछ वेराइटीज हैं जो लेस देन 800 hours में भी जो है अपनी डॉर्मेंसी को ब्रेक कर लेती हैं, पर अगर एवरेज की बात की जाए तो 1000 hours जो है इसको चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है एप्पल के लिए। देखिए अगर इसके डे टेम्परेचर की बात की जाए तो 12 to 15 degrees Celsius का डे टेम्परेचर एंड नाइट टेम्परेचर 7 to 8 degrees Celsius इसको नाइट टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए अगर समर टेम्परेचर की बात की जाए तो 21 to 24 degrees Celsius का जो समर टेम्परेचर होता है सुटेबल होता है एप्पल के लिए। ठीक है, देखिए जो आफ्टर जब डॉर्मेंसी ब्रेक होती है एप्पल की तो उसके बाद जो है लॉन्ग डे आर्स जो है और हाई लाइट इंटेंसिटी जो है रिक्वायर्ड होती है और सुटेबल होती है फ्रूट के कलर के लिए, गुड फ्रूट डेवलपमेंट के लिए जो है लॉन्ग डे लेंथ और हाई लाइट इंटेंसिटी जो है एप्पल के लिए सुटेबल होती है, फेवरेबल होती है। तो ये थी इसकी क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स। चलिए मूव करते हैं सॉइल में। देखिए सॉइल जो होती है एप्पल के लिए जो है स्लाइटली एसिडिक सॉइल को प्रिफर किया जाता है, या स्लाइटली एसिडिक सॉइल जो है वो सुटेबल होती है, और सॉइल जो है वेल ड्रेन होनी चाहिए, वेल ड्रेन लोमी सॉइल जो है सुटेबल होती है एप्पल के लिए। अगर देखिए इसकी पीएच की बात की जाए तो 6.5 to 6.7 जो है इसके लिए आइडियल पीएच है, लेकिन अगर मैं रेंज की बात करूं तो देखिए 5 से 5.5 से इसकी रेंज स्टार्ट होती है एंड अप टू 6.7। ठीक है, तो 5.5 तक भी जो है 5.5 का जो रेंज है वहां पे भी जो है एप्पल ग्रो कर जाता है, पर अगर आइडल पीएच की बात की जाएगी तो 6.5 to 6.7। देखिए रेंज आपको इसलिए बताई जाती है, कई बार एग्जाम में जो है आपको एग्जैक्ट वैल्यू ना देके आपको रेंज दी जाती है कि एप्पल जो है वो कितनी रेंज ऑफ पीएच में ग्रो करता है, तो इसलिए आपको रेंज दी जाती है ताकि आपको आइडिया रहे कि हाँ एप्पल जो है वो 5.5 से भी ग्रो करता है, 5.5 से और अप टू 6.7 जो है ये एप्पल ग्रो होता है। तो ये आपको अगर रेंज ध्यान में रहेगी तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड ऑफ द राइट आंसर। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखनी है कि रेंज क्या है और आइडल पीएच क्या है। देखिए एप्पल के लिए जो है वाटर लॉक्ड सॉइल जो होती है, जिन सॉइल्स में वाटर लॉक कंडीशन जो है वो क्रिएट होती हैं, वो सॉइल्स को अवॉइड किया जाता है। बेसिकली जो हैवी सॉइल्स होती हैं, क्लेई सॉइल्स होती हैं, उनको एप्पल के लिए अवॉइड किया जाता है। ठीक है, तो हैवी सॉइल्स और कॉम्पैक्ट सॉइल को अवॉइड करते हैं एप्पल के लिए। वेल ड्रेन सॉइल, लोमी सॉइल्स विद स्लाइटली एसिडिक पीएच जो है प्रिफर की जाती हैं एप्पल के लिए। तो ये थे इसके क्लाइमेट और सॉइल के रिक्वायरमेंट्स। चलिए देखते हैं, बात करते हैं प्लांटिंग टाइम की। देखिए जो प्लांटिंग टाइम है एप्पल का जो मोस्टली कॉमनली जो है वो है जून टू दिसंबर। ठीक है, जून टू दिसंबर जो है प्लांटिंग टाइम, ये जून टू दिसंबर तक जो है इसे प्लांट किया जाता है। प्लांट बेसिक जो प्लांटिंग टाइम है जून टू दिसंबर का, देखिए इसकी स्पेसिंग की बात की जाए तो 3 into 2 meters की स्पेसिंग इसकी नॉर्मल जो कॉमन स्पेसिंग है, जिसमें 1666 प्लांट्स आते हैं। देखिए ये नॉर्मल कॉमन जो स्पेसिंग अडॉप्ट की जाती है। अगर एचडीपी की बात करें, देखिए एचडीपी में देखिए नॉर्मल जो है 3 into 2 है और एचडीपी में 1 जो मीटर है उसे कम कर दीजिए 2 meters into 1 meter। देखिए जो नॉर्मल स्पेसिंग है उसमें 3 into 2 meters है और एचडीपी में 3 में से 1 कम कर दीजिए 2 meters, और यहाँ भी 1 कम कर दीजिए 1 meter। तो ये है जो एचडीपी में अडॉप्ट की जाती है। मोस्टली जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग है उसे मोर नंबर ऑफ प्लांट पॉपुलेशन को लगाया जा सके इसलिए अडॉप्ट किया जाता है, और इंक्रीज की जा सके पर हेक्टेयर ईल्ड जो है वो इंक्रीज की जा सके। तो 5000 प्लांट्स पर हेक्टेयर आते हैं आपके एचडीपी प्लांटिंग में। ठीक है, तो ये है इसकी स्पेसिंग और प्लांटिंग टाइम। देखिए प्लांटिंग टाइम जो है वो जून से दिसंबर तक जो है एक्सटेंड हो जाता है, एक्सीड कर जाता है जून टू दिसंबर तक इसका प्लांटिंग टाइम। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए नेक्स्ट बात करेंगे इसके प्रोपोगेशन की। देखिए जो एप्पल होता है उसका जो प्रोपोगेशन होता है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, और मोस्टली जो है विप ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग, क्लेफ्ट और रूट ग्राफ्टिंग जो है इसमें प्रैक्टिस की जाती है। बट जो मोस्ट जो कॉमन मेथड है और जो सक्सेसफुल मेथड है वो है विप और टंग ग्राफ्टिंग। देखिए विप और टंग ग्राफ्टिंग जो है दोनों ही सेम चीजें हैं, विप को ही टंग ग्राफ्टिंग कहा जाता है। देखिए ग्राफ्टिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग मतलब जब दो जो है डिफरेंट पार्ट्स को
यूनाइट किया जाता है, यूनियन फॉर्म की जाती है ताकि जो है वो एक सिंगल प्लांट में ग्रो कर सकें, उसे कहा जाता है ग्राफ्टिंग। एंड देर आर सेवरल मेथड्स ऑफ ग्राफ्टिंग लाइक विनियर ग्राफ्टिंग और एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, तो देर आर सो मेनी टाइप्स। पर एप्पल में जो प्रैक्टिस होता है मोस्ट फ्रिक्वेंटली और मोस्ट सक्सेसफुल जो मेथड है वो है विप और टंग ग्राफ्टिंग। देखिए इमेज से हम समझेंगे, देखिए ये है अपर पोर्शन साइन पोर्शन और ये है रूट स्टॉक पोर्शन, ठीक है। देखिए ग्राफ्टिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ग्राफ्टिंग को इसलिए किया जा सकता है कि हम डिजायरेबल ट्रेट को जो है डेवलप कर सकें प्लांट में, ठीक है, डिजायरेबल ट्रेट्स को डेवलप कर सकें और एक जो बेटर क्वालिटी फ्रूट है उसे ऑब्टेन कर सकें। बेटर प्रोडक्शन के लिए जो है ग्राफ्टिंग टेक्निक्स को अडॉप्ट किया जाता है। तो ये सारे जो होते हैं ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ग्राफ्टिंग के। अब देखिए यहाँ पे विप और टंग ग्राफ्टिंग को समझते हैं। देखिए ये है साइन पोर्शन और ये है रूट स्टॉक पोर्शन, ठीक है। रूट स्टॉक को सिलेक्ट किया जाता है, उसमें देखिए एक जो कट है स्लैंट कट यहाँ पे दिया जा रहा है यहाँ पे, और वैसा ही एक कट जो है यहाँ पे दिया जाता है साइन पोर्शन में, ठीक है। ये जो कट होते हैं ये दोनों इंटरलॉक करते हैं, इंटरलॉक करते हैं यहाँ पे और फिर इसे टाई किया जाता है। इसे टंग ग्राफ्टिंग इसलिए कहा जाता है, देखिए जो ये शेप है यहाँ पे टंग का शेप है इसलिए यहाँ पे इसे टंग ग्राफ्टिंग कहा जाता है। देखिए ये जो शेप है यहाँ पे और ये जो यहाँ पे जो इंसर्शन पड़ा है ये इंसर्शन ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो टंग शेप के कारण इसे टंग ग्राफ्टिंग नाम दिया गया है। और यहाँ पे जब ये दो साइन और रूट स्टॉक जो है प्रिपेयर हो जाते हैं तो इन्हें टाई कर दिया जाता है और आफ्टर सम टाइम जो है ये एज अ होल एक सिंगल प्लांट जो है ये ग्रो करते हैं, ठीक है। रूट स्टॉक जो है डिफरेंट प्लांट का होता है, साइन जो है वो डिफरेंट प्लांट का होता है, ठीक है। उसके बाद जो है डिजायरेबल ट्रेट्स इसमें डेवलप होते हैं जब ये एज अ वन प्लांट ग्रो करते हैं। तो इस टंग शेप के कारण ही इसे टंग ग्राफ्टिंग का कहते हैं और ये मोस्ट सक्सेसफुल मेथड है एप्पल में। तो ये था इसका टंग ग्राफ्टिंग मेथड जो कि एप्पल में मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो है प्रैक्टिस किया जाता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट बात करते हैं रूट स्टॉक की। देखिए रूट स्टॉक जो ग्राफ्टिंग मेथड में यूज किए जाते हैं डिजायरेबल ट्रेट्स को डेवलप करने के लिए क्रॉप में, तो देखते हैं फर्स्ट रूट स्टॉक है रॉबस्टा 5 जो कनाडा से डेवलप हुआ है और रेजिस्ट करता है वुली एफिड को। देखिए जो वुली एफिड है मोस्ट डिवास्टेटिंग पेस्ट है एप्पल का जो कि एप्पल को काफी लॉस करता है, तो ये उसके लिए रेजिस्टेबल है। देखिए नॉर्थन स्पाई ये भी जो है वुली एफिड के लिए रेजिस्टेबल है। देखिए अब जो ग्रुप बात करते हैं M9 की, देखिए जो M9 है ये ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है और मोस्ट प्रेफरेबल जो है रूट स्टॉक है, मोस्ट वाइडली इसे यूज किया जाता है M9 को। और M27 भी जो है ये भी जो है ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है, M27 इवन अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक है, अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक है M27। M4 जो है वो सेमी ड्वार्फ है, M4 सेमी ड्वार्फ है। और M26 भी जो है सेमी ड्वार्फ रूट स्टॉक है, ठीक है। अगर MM106 की बात की जाए तो ये भी जो है ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है, MM06 ये भी एक ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है। और ये जो सारे रूट स्टॉक हैं ये रेजिस्ट करते हैं वुली एफिड को, वुली एफिड को रेजिस्ट करते हैं। और इनमें से जो M27 है ये अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक है, ठीक है। और ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है मोस्ट प्रोबेबली HGB जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग होती है उसके लिए यूज किए जाते हैं, क्योंकि ड्वार्फ रूट स्टॉक है मोर नंबर ऑफ प्लांट जो है वो ग्रो किए जा सकते हैं पर हेक्टेयर इन रूट स्टॉक के द्वारा। और ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये वुली एफिड के लिए जो है रेजिस्टेबल होते हैं। देखिए अब बात करें M7 की, तो M7 जो है ये भी जो है एक ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है और MM0106 ये भी जो है एक ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है। देखिए जो MM सीरीज होती है, जो ये MM सीरीज है ये जो है ड्रॉट टॉलरेंट होती है और सेमी पेग्रेस होती है, ठीक है, सेमी पेग्रेस होती है और जो है जो टॉलरेट करती है -40°C to -30°C का टेम्परेचर टॉलरेट करती है और वुली एफिड के लिए रेजिस्टेबल होती है और उसके साथ साथ ड्रॉट रेजिस्ट भी करती है। तो ये सारे जो रूट स्टॉक है मोस्ट प्रेफरेबली मोस्ट कॉमनली जो है अडॉप्ट किए जाते हैं ग्राफ्टिंग टेक्निक्स के लिए। जो M9 है इसे मोस्ट प्रेफर किया जाता है रूट स्टॉक एज अ रूट स्टॉक जो है ग्राफ्टिंग मेथड के लिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए बात करते हैं वैरायटीज की। तो देखिए वैरायटीज में सबसे पहले बात करेंगे रेड डिलीशियस की जो कि USA से इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई है और एक मिड सीजन वैरायटी है। मिड सीजन मतलब जून जुलाई में जो है इसकी ईल्ड प्रिपेयर होती है और इंडिया का जो है ये मोस्ट वाइडली ग्रोन कल्टीवार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्टीवार है
और एक टेबल पर्पस वैरायटी है। देखिए नेक्स्ट बात करेंगे गोल्डन डिलीशियस की, तो जो गोल्डन डिलीशियस है ये जो वैरायटी है ये लेट मैच्योरिटी वैरायटी है, लेट सीजन वैरायटी है। ये जो है अगस्त सितंबर तक जो है इसकी ईल्ड प्रिपेयर होती है और एज अ पॉलिनाइजर जो है ये यूज की जाती है। पॉलिनाइजर मतलब मैंने आपको बताया था कि जो एप्पल है इसमें सेल्फ जो है सेल्फ अनफ्रूटफुलनेस की जो प्रॉब्लम है वो रिपोर्ट की जाती है, इसके लिए जो है पॉलिनाइजर की रिक्वायरमेंट होती है। तो गोल्डन डिलीशियस को एज अ पॉलिनाइजर जो है वो यूज किया जाता है और ये जो गोल्डन डिलीशियस है ये एक टेबल पर्पस और प्रोसेसिंग की वैरायटी है। ठीक है, प्रोसेसिंग और टेबल पर्पस के लिए भी इसे यूज किया जाता है। देखिए नेक्स्ट जो वैरायटी है मैकिंटॉश वैरायटी, देखिए मैकिंटॉश वैरायटी जो है वो एचपी में और उत्तराखंड में ग्रो की जाती है। देखिए आप कहीं पे यूपी भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, अगर पुराना डेटा देखें तो वहाँ पे यूपी लिखा होगा क्योंकि उत्तराखंड जो है उत्तराखंड को जो है यूपी का जो है हिली रीजन कहा जाता था। बट अगर अब आप बात करेंगे तो अब हम बोलेंगे जो मैकिंटॉश वैरायटी है वो उत्तराखंड में ग्रो की जाती है। ठीक है, इसकी जो अडेप्टिविटी है वो है उत्तराखंड में है। देखिए नेक्स्ट बात करेंगे चौबटिया अनुपम की, तो जो चौबटिया अनुपम है वो क्रॉस है अर्ली शान बेडी का और रेड डिलीशियस का। ठीक है, अर्ली शानबेरी और रेड डिलीशियस के क्रॉस, रेड डिलीशियस के क्रॉस से डेवलप किया गया है चौबटिया अनुपम और ये फेमस है अपने रिच एरोमेटिक फ्लेवर के लिए, रिच एरोमेटिक फ्लेवर के लिए, और इसे भी उत्तराखंड में ग्रो किया जाता है, उत्तराखंड में ग्रो की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है लाल अंबरी, देखिए लाल अंबरी को जो है आप नाम से इसके क्रॉस को जाइए, क्रॉस है, देखिए क्रॉस है रेड डिलीशियस का और अंबरी का। तो देखिए लाल अंबरी जो है आप नाम से याद रख सकते हैं, लाल रेड, रेड डिलीशियस इससे याद रखिए और अम्बरी अम्बरी से, तो इसके नाम से ही इसका क्रॉस आपको पता चल जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो वैरायटी है प्राइमा वैरायटी, देखिए जो प्राइमा है ये फर्स्ट जो है स्कैब रेजिस्टेंट वैरायटी है, फर्स्ट स्कैब रेजिस्टेंट। देखिए स्कैब जो है वो एक फंगल डिजीज कॉज करता है एप्पल को स्टोरेज में। ठीक है, स्टोरेज में जो है फंगल डिजीज जो है कॉज करता है स्कैब और बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है एप्पल की। ठीक है, तो ये जो प्राइमा है ये स्कैब रेजिस्टेंट वैरायटी है, एप्पल की स्कैब रेजिस्टेंट वैरायटी है। देखिए नेक्स्ट जो है फ्रीडम वैरायटी, देखिए जो फ्रीडम है ये भी जो है स्कैब रेजिस्टेंट वैरायटी, एप्पल की जो है स्कैब रेजिस्टेंट वैरायटी है। और जो फ्रीडम है वो फ्रीडम के साथ साथ एक और वैरायटी है लिबर्टी, लिबर्टी ये भी जो है स्कैब रेजिस्टेंट वैरायटी है। और जो ये फ्रीडम है इसे इंट्रोड्यूस किया गया, जो ये डेवलप हुई है ये भी है न्यूयॉर्क से डेवलप हुई है। ठीक है, न्यूयॉर्क से। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्दर्न स्पाई की, देखिए नॉर्दर्न स्पाई हमने रूटस्टॉक में पढ़ा था, रूटस्टॉक के लिए यूज होती है और ये भी जो है वुली एफिड रेजिस्टेंट वैरायटी है। ठीक है, दैट्स व्हाई इसे जो है एज अ रूटस्टॉक भी यूज किया जाता है क्योंकि ये वुली एफिड रेजिस्टेंट वैरायटी है। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं अंबरी की, तो जो अंबरी है वो जो है इसकी जो है लॉन्गेस्ट शेल्फ लाइफ है, एम्बरी की लॉन्गेस्ट शेल्फ लाइफ है और ये जो है इंडिजिनस टू इंडिया है, मतलब इंडिया से ही ये वैरायटी डेवलप की गई है अंबरी, और जो है लॉन्गेस्ट शेल्फ लाइफ इसकी होती है अंबरी की। तो ये थी सारी वैरायटीज। देखिए नेक्स्ट मूव करते हैं इसके इंटरकल्चर ऑपरेशन पे। देखिए इंटरकल्चर ऑपरेशन में जो इरिगेशन की बात करें तो जो एप्पल होता है इसको एडिक्वेट इरिगेशन, मतलब 6 to 8 इरिगेशन जो है इसको 7 to 10 डेज के इंटरवल में जो जून और अप्रैल के मंथ में जो है दिए जाते हैं। इरिगेशन जो है क्रूशियल रोल प्ले करता है। देखिए पीक पीरियड होते हैं एप्पल के जो इरिगेशन होता है उसके, देखिए फ्लावरिंग के टाइम पे, फ्रूट सेटिंग के टाइम पे और फ्रूट डेवलपमेंट के टाइम पे। देखिए तीन स्टेज ऐसी है जिस टाइम पे जो है वाटर की, एडिक्वेट वाटर की रिक्वायरमेंट होती है एप्पल को इन तीनों स्टेजेस के टाइम पे, तो ये इसकी जो है पीक वाटर रिक्वायरमेंट स्टेजेस है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रूट थिनिंग की। देखिए जो फ्रूट थिनिंग है जब एप्पल में बहुत हैवी जो है ब्लूम और हैवी बेयरिंग जब होती है तो उस टाइम पे जो है जो फ्रूट होता है बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी का और स्मॉल फ्रूट जो है प्रोड्यूस होता है, इसलिए जो है फ्रूट थिनिंग की जाती है मैनुअली या केमिकल से। ठीक है, ताकि जो फ्रूट है उससे वो क्या है उसका साइज जो है वो यूनिफॉर्म रहे, उसका फ्रूट साइज जो है स्मॉल ना हो, एक एवरेज साइज हो जो मार्केटेबल साइज होता है फ्रूट का, इसलिए जो है फ्रूट थिनिंग करी जाती है। और इसके लिए जो केमिकल यूज किया जाता है वो नेफ्थोल एसिडिक एसिड जो है वो यूज किया जाता है, 20 ppm जो है नेफ्थोल एसिडिक एसिड का फोलियर स्प्रे किया जाता है फ्रूट थिनिंग के लिए। ठीक है, और इसमें जो है कार्बोरिल का भी यूज किया जाता है फ्रूट थिनिंग के लिए, कार्बोरिल जो केमिकल यूज होता है, केमिकल मेथड।
देखिए नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है फ्रूट ड्रॉप। देखिए फ्रूट ड्रॉप का भी एक सीरियस प्रॉब्लम होता है, ठीक है। प्री हार्वेस्टिंग फ्रूट ड्रॉप होता है, फ्रूट ड्रॉप भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में होता है। देखिए फ्लावरिंग के टाइम पे फ्लावर्स ड्रॉप होते हैं, फ्रूट सेट के टाइम पे जो होता है स्मॉल फ्रूट जो होते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं, और प्री हार्वेस्टिंग जो हार्वेस्टिंग से जस्ट पहले जब फ्रूट राइप होने लगता है उस टाइम पे जो है फ्रूट जो है ड्रॉप होने लगते हैं। तो जो फ्रूट ड्रॉप का प्रॉब्लम होता है ये भी बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। इससे इसको प्रिवेंट करने के लिए जो है नेफ्थल एसिटिक एसिड का जो है 20-25 डेज बिफोर हार्वेस्टिंग जो है 10 ppm का जो है स्प्रे किया जाता है, 10 ppm का एप्लीकेशन दिया जाता है फ्रूट प्लांट्स को, ताकि जो फ्रूट ड्रॉप का प्रॉब्लम है उसे सो प्रिवेंट किया जा सके। देखिए ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है वो भी यूज किए जाते हैं, जैसे GA3 हो गया, ये जो है वेजिटेटिव ग्रोथ को इंक्रीज करता है, और IBA हो गया रूट फॉर्मेशन को। तो ये सारे जो ग्रोथ रेगुलेटर्स है ये भी जो है प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो है यूज किए जाते हैं और इंटरकल्चर ऑपरेशंस में आते हैं। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट बात करेंगे ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग की। देखिए जो ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग है, देखिए ट्रेनिंग की जाती है कि एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क को डेवलप करने के लिए प्लांट के, उसके कैनोपी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, जो प्लांट है वो ओवरग्रोथ ना करे इसलिए प्रूनिंग की जाती है। तो देखिए प्रूनिंग के जो मेथड है सेंट्रल लीडर सिस्टम, ओपन लीडर सिस्टम और मॉडिफाइड लीडर सिस्टम, देखिए तीनों जो सिस्टम है ये जो सिस्टम है एप्पल में प्रैक्टिस किए जाते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल लीडर सिस्टम की। देखिए नाम से जानेंगे इसमें जो है जो प्रायोरिटी दी जाती है सेंट्रल लीडर सिस्टम को दी जाती है, मतलब देखिए ये है सेंट्रल लीडर सिस्टम, इसमें जो है सेंटर को सेंटर जो सेंटर है इसमें जो है वेल स्पेस्ड ब्रांचेस, देखिए जो ब्रांचेस हैं वो बहुत छोटी छोटी हैं, वेल स्प्रेस ब्रांचेस को ग्रो किया जाता है और अदर जो ब्रांचेस है उन्हें रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, और जो सेंटर है उसे जो है पूरा ग्रो करने दिया जाता है। देखिए सेंटर जो है ग्रो कर रहा है, तो ये होता है सेंट्रल लीडर सिस्टम, ठीक है, नाम से समझिए, जिसमें सेंटर जो है लीड कर रहा होता है, प्रायोरिटी जो है सेंटर होता है, अदर जो लेटरल ब्रांचेस है उनको लिमिटेड जो है लिमिटेड उस तक ग्रो करने दिया जाता है। देखिए लिमिटेड ग्रो कर रही है और एक जो है स्पेस मेंटेन करके जो है ग्रो कर रही है, तो ये होता है सेंट्रल लीडर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ओपन सेंट्रल लीडर सिस्टम की, जो कि हमने गुआवा में भी जो ये है ओपन सेंट्रल लीडर सिस्टम की बात की थी, कि इसमें क्या किया जाता है कि एक सर्टेन हाइट के बाद जो है सेंटर को हेडेड बैक कर दिया जाता है और जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं उन्हें ग्रोथ करने दिया जाता है, तो ये होता है ओपन सेंट्रल सिस्टम, ठीक है, जिसमें जो है ओपन सेंटर को ओपन किया जाता है, ठीक है, हेडेड बैक करके जो सेंटर का पार्ट होता है ट्रंक होता है उसे हेडेड बैक कर दिया जाता है एक सर्टेन हाइट तक और लेटरल ब्रांचेस को ग्रो करने दिया जाता है, तो ये होता है ओपन सेंट्रल जो सिस्टम होता है ओपन सेंट्रल लीडर सिस्टम। देखिए अब बात करेंगे मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम की। देखिए मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम जो होता है एक इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट सिस्टम है सेंट्रल लीडर का और ओपन लीडर का, मतलब देखिए इसमें क्या करते हैं एप्पल के ट्री को 3-4 साल तक जो है एज अ सेंट्रल लीडर ग्रो करने देते हैं। सेंट्रल लीडर मतलब जैसे सेंटर का जो ट्रंक है वो ग्रो कर रहा है, उसमें वेल स्पेस जो है ब्रांचेस को लिमिटेड एक ग्रोथ तक जो है ग्रो करने दिया जाता है। आफ्टर 3-4 ईयर मतलब जब 6-8 साल में जब वो प्लांट आता है 6-8 साल में जो है उसे एक सर्टेन हाइट के बाद हेडेड बैक कर दिया जाता है और उसे क्या किया जाता है ओपन सेंट्रल लीडर सिस्टम क्या है उसमें प्रैक्टिस किया जाता है। तो जो है इस जो मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम है उसका मतलब होता है कि एक सर्टेन पीरियड तक सेंट्रल लीडर सिस्टम उसमें प्रैक्टिस किया जाता है, देन आफ्टर फ्यू ईयर्स और आफ्टर सम टाइम जो है ओपन सेंट्रल लीडर सिस्टम उसमें प्रैक्टिस किया जाता है। देखिए इसके एडवांटेज ये होते हैं कि सिस्टम में उसके एडवांटेज भी मिलते हैं, मतलब एक विग्रेस ग्रोथ जो है वो ग्रो करता है और आफ्टर सम टाइम जो है बेटर पेनिट्रेशन ऑफ लाइट और बेटर कैनोपी के लिए जो है उसका जो है जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे हेडेड बैक कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो है ट्रेनिंग के जो है एडवांटेज हैं और ये ट्रेनिंग के सिस्टम जो है एप्पल में प्रैक्टिस किए जाते हैं, मेनली जो प्रैक्टिस किया जाता है वो है ओपन सेंटर लीडर सिस्टम। देखिए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आफ्टर जो बड डॉर्मेंसी होता है एप्पल में जो होता है हाई लाइट इंटेंसिटी और लॉन्ग डे लेंथ की जो है जो रिक्वायरमेंट होती है फॉर बेटर प्रोडक्शन, तो दैट्स व्हाई जो है ओपन सेंट्रल लीडर सिस्टम जो है सुटेबल होता है एप्पल के लिए, ठीक है। देखिए बात करते हैं प्रूनिंग की, तो प्रूनिंग जो है डिजीज पार्ट्स होते हैं, जो इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स होते हैं, ड्राई प्लांट पार्ट्स होते हैं, जो अनवांटेड जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, अनवांटेड फ्रूट्स होते हैं, उन सबको रिमूव कर दिया जाता है ताकि जो रिमेनिंग जो प्लांट है वो हेल्दी रहे, रिमेनिंग जो प्लांट पार्ट है वो हेल्दी रहे, यूनिफॉर्म जो है न्यूट्रिशन जो है अवेलेबल रहे प्लांट पार्ट्स के लिए। तो ये सारे प्रूनिंग के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और ये क्रूशियल रोल भी प्ले करता है जो है डेवलपमेंट में, क्योंकि
ट्रेनिंग और प्रूनिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो प्लांट है वो हेल्दी रहे, ठीक है, उसमें न्यूट्रिशन, उसकी क्वालिटी जो है, फ्रूट की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रह सके. तो ये है इसमें ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग का. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे हार्वेस्टिंग की. देखिए जो प्लांट होता है एप्पल का वो फोर्थ ईयर से बेयरिंग स्टार्ट कर देता है, फोर्थ ईयर से उसकी बेयरिंग स्टार्ट हो जाती है और जो है 130 to 150 days आफ्टर ब्लूमिंग जो है वो फ्रूट मैच्योरिटी स्टेज में पहुंचता है 130 से 150 दिन में, ठीक है, आफ्टर ब्लूमिंग मतलब आफ्टर फ्लावरिंग, ठीक है. तो ये उसका होता है टाइम पीरियड. तो अगर इसके हार्वेस्टिंग की बात की जाए, इसकी ईल्ड की बात की जाए, सॉरी, तो 100 to 150 टन पर हेक्टेयर इसकी ईल्ड होती है, एवरेज ईल्ड है ये. अगर इसके स्टोरेज की बात की जाए, देखिए स्टोरेज जो होता है नेचुरली जो इसकी शेल्फ लाइफ होती है वो लॉन्गर होती है कंपैरिजन टू अदर फ्रूट्स. तो इसको स्टोरेज में जो है 4 to 8 months के लिए इसे रखा जा सकता है इन -1 to 1 degree, -1.1 to 0 degree Celsius के टेम्परेचर रेंज में जो है 85 to 90% जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उस पर जो है एप्पल को स्टोर किया जा सकता है और ये जो है 4 to 8 month तक जो है ये सेफ रह सकता है स्टोरेज में एप्पल. देखिए कुछ प्रिकॉशंस होते हैं कि एप्पल को जो है जो अदर क्रॉप्स होती हैं जैसे कैबेज हो गया, अनियन हो गया, इन क्रॉप्स के साथ स्टोर नहीं करना चाहिए क्योंकि जो इनका अडर होता है वो जो है एप्पल एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी जो मार्केट क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाती है. तो ये सारे जो प्रिकॉशंस हैं ये स्टोरेज के टाइम पे जो है ध्यान में रखने होते हैं. तो ये था एप्पल जिसके जो हमने डिटेल में जिसे डिस्कस किया. तो यहाँ पे जो है एप्पल फिनिश होता है, द टॉपिक एंड्स. जो नया टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है, बहुत जल्द हम डिस्कस करेंगे. होप यू विल अंडरस्टैंड द एप्पल एज वेल. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में. आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड. थैंक यू सो मच.